हाय गाइस, हाउ आर यू एंड कैसे आप सब। आज मैं लेकर आई हूँ माय स्किन केयर रूटीन, जो कि मुझे पर्सनली भी मुझे बहुत लोग मेरे से पूछ रहे थे कि आप स्किन पे क्या लगाती हैं क्या लगाती हैं। तो मैं आपको अपना पूरा रूटीन शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और आपको कुछ ज़रूरी टिप्स भी बताऊँगी आपको ग्लोइंग स्किन को अचीव करने के लिए। सो, मेरे साथ एक चोट हो गया कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और मेरा वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पाया। मुझे लगा ये मेरे से गलती हो गया, सो यहाँ पे मुझे वॉइस ओवर देना पड़ रहा है। तो सबसे पहले मैंने स्किन में नहा चुकी थी, स्किन पे मैं लगा रही हूँ यहाँ पे टोनर। आपको किसी भी चीज़ प्रोडक्ट का लिंक चाहिए होगा तो प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट्स कर देना ताकि मैं शेयर कर दूँ। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ प्लम का नियासिनामाइड टोनर। इसको मैं दो लेयर में लगा रही हूँ। फर्स्ट लेयर को लगा के इसको 30-40 सेकेंड वेट करते हैं ताकि ड्राई हो जाए, उसके बाद हम उसको सेकेंड लेयर लगाते हैं। उसके बाद मैं लगाऊंगी यहाँ पे विटामिन सी सीरम। आप कोई भी सी सीरम लगा सकते हैं अगर आपको सूट करता है कि, बट मोस्ट ऑफ द लोग है जिसको ऑर्डिनरी का प्रोडक्ट सूट नहीं करता है, तो आप ऐसे द डर्मा कोका और ऐसा बहुत सा प्रोडक्ट है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ विटामिन सी द प्योरेस्ट फॉर्म एब्जॉर्बिक एसिड। सो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। सो मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉप्स दूँगी। इसको बहुत लाइट हैंड से आपको स्किन पे इसको बिल्कुल भी रगड़ना नहीं है, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना है। बहुत लाइट हैंड से आपको इसको मसाज करते हुए इसको पेनिट्रेट होने देना है अच्छे से। उसके बाद इसको फ्यू अच्छे से आपको नेक पे, कुछ भी प्रोडक्ट अगर आप लगा रहे हैं तो उसको नेक पे नहीं भूलना है। सो इसको नेक पे अच्छे से स्किन पे मसाज करते हुए अच्छे से लगाएंगे फोरहेड पे। उससे आपका स्किन पे आप देखिएगा आपके सेकंड स्टेप में ही काफ़ी ग्लो आ चुका है, आप वीडियो में देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट मैं यूज़ करने वाली हूँ मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र यहाँ पे मैं जो यूज़ कर रही हूँ द डर्मा कोका ओपन पोर्स मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं अपने अपने स्किन के लिए। और मैं अपना स्किन टाइप बता दूँ, मेरा स्किन टाइप है ड्राई टू नॉर्मल स्किन है मेरा। सो उसके हिसाब से मैं यहाँ पर जेल बेस्ड यूज़ कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र, एंड फेस वॉश भी मैं उसी के अकॉर्डिंग यूज़ करती हूँ। सो यहाँ पे मैंने ये यूज़ किया है। एंड इसके अलावा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, जो लोग को पता नहीं क्यों इसको इम्पॉर्टेंस इतना नहीं देते, वो है सनस्क्रीन। जब भी आप बाहर जाती हूँ, मैं बाहर नहीं जा रही हूँ, मैं घर पे रहती हूँ, तो भी मैं डेली यूज़ करती हूँ। बाहर जाती हूँ तो उससे मैं हर 2 आवर्स में इसको अप्लाई करती रहती हूँ, री अप्लाई करती रहती हूँ। बहुत ज़रूरी, आपका स्किन जो डैमेज होता है ना वो सन से ही होता है, उसके यूवी इफेक्ट से ही जो होता है, यूवी रेज से। इसको आपको सन डैमेज, डार्क स्पॉट्स जो होता है, हाइपर पिगमेंटेशन, ये सिर्फ सनस्क्रीन सन से होता है। तो इसको सनस्क्रीन लगाना ना भूले। एंड सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में अपना मॉइस्चराइजर, अपने लिप्स को भी अच्छे से मॉइस्चराइज करना है। एंड आपको टिप्स मैं ये देना चाहती हूँ कि सिर्फ बाहर से आप करोगे तो वो आपको वो ग्लो नहीं देगा जो आपको इनर ग्लो भी देगा। इनर ग्लो के लिए आपको चाहिए कि आप अपना डाइट को हेल्दी रखिए, ड्रिंक पानी बहुत ढेर सारा पिए। उसके अलावा बीटरूट जूस भी अपने उसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो। एंड प्लीज़ कॉमेंट्स भी कर सकते हैं अगर आपको कोई और नेक्स्ट वीडियो चाहिए। तो बाय बाय, टेक केयर।